नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कमलनाथ सरकार किसानों के कर्ज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि किसानों के कर्ज माफ हुए हैं। वहीं किसानों को बैंक के कर्ज चुकाने को लेकर नोटिस भेजे जा रहे हैं, वे भी एक एक गांव में एक नहीं दर्जनों किसानों को। ताजा मामला है रायसेन जिले के उदयपुरा विधानसभा के ग्राम उड़िया में। किसानों को कर्ज के लिए बैंक ने थमाई नोटिस। समस्याएं ऋण माफी को लेकर के आ रही, कुछ शिकायतें भी आ रही हैं। तो अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हर जिले में एक कमेटी का गठन किया जा रहा है, जहां पर ऋण माफी से जुड़ी हुई जितनी भी शिकायतें होंगी उन सभी शिकायतों के ऊपर सुनवाई की जाएगी और उसका उचित निराकरण करने का काम किया जाएगा। बैंक मैनेजर ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट माफ कर रही है, अधिकारी लोगों का है थोड़ा बहुत इसमें, तो अधिकारियों की विचार समझ में आती है। हम देहात के किसान लोग हैं, हमारे यहाँ ज्यादा पढ़े लिखे किसान है नहीं है, बार बार परेशान करते हैं, नोटिस देते हैं, दबाव डालते हैं। मतलब आपको विश्वास है कमलनाथ ने किसानों का कर्ज माफ किए हैं? मुझे तो विश्वास है, किया माफ, लेकिन ये बैंक के द्वारा माफ नहीं हुआ सर। जो बार बार नोटिस आ रहा है जी, और आचार संस्था लगी थी उस समय नोटिस भेजा था, और वो नोटिस आया और परेशान करते हैं। कितनी की केसीसी थी आपकी? या 170,000 की थी। तो वो आई है, आपकी माफ नहीं हुई? नहीं हुई। रायसेन से भारत मीणा की रिपोर्ट।